बलरामपुर हनुमानगढ़ी मंदिर पर चिकित्सा व रक्तदान शिविर का एक आयोजन किया गया है। अन्नकूट भंडारे में हजारों लोगों ने यहां पर प्रसाद भी ग्रहण किया है। दरअसल आपको बता दें कि 14 नवंबर को यहां पर वीर विनया चौक स्थित हनुमानगढ़िया मंदिर पर हनुमान जयंती महोत्सव के अंतर्गत विशाल भंडारे और चिकित्सा व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महंत महेंद्र दास की उपस्थिति में यहाँ पर सदर विधायक पलटू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, उतरोला विधायक राम प्रताप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह गुड्डू, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी टीपी सिंह बेस सहित हनुमानगढ़ के जो मंदिर के परंपरागत पुजारी वगैरह सब लोग मौजूद रहे, जिसमें विशाल अन्नकूट का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामाकृष्ण इंटरनेशनल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया गया और रक्तदान शिविर का इस दौरान शुभारम्भ किया गया। वॉलंटियर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन जो है वो जीवन दान रक्तदान महादान के उपलक्ष्य में आज इस भंडारे के उपलक्ष्य में रामकृष्ण इंटरनेशनल सबको जीवन प्रदान करने के लिए रक्तदान का शिविर का आयोजन किया। उस शिविर में राम जन्मभूमि से ट्रस्ट कार सेवकपुरम अयोध्या के प्रभारी श्री शिवदास जी यहाँ मौजूद हैं, श्री राधे श्याम जी वेद विद्यालय के महासचिव, श्री डीपी सिंह जी, श्री डब्बू मिश्रा जी व शुक्ला जी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और ये शुभकाम सभी को करना चाहते हैं। आज हनुमान जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर हनुमानगढ़ी मंदिर बलरामपुर में श्री रामकृष्ण इंटरनेशनल के तत्वाधान में वाहन मंदिर प्रोफेसर लखनऊ व्यवसायिक चिकित्सालय बलरामपुर विशाल भंडारे के पक्ष में आयोजित इस मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप के अवसर पर श्री रामकृष्ण इंटरनेशनल के सचिव ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये शुभ काम सभी को करना चाहिए, क्योंकि किसी को ब्लड डोनेट करना मतलब जीवन दान करना है, तो इसलिए ये शुभ काम सभी को करना चाहिए।